आपके साथ दीक्षा भारती। लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण से पूर्व भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है और अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण और युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा ने घोषणा पत्र समिति बनाई थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अनुसार इसके तहत देश भर में करीब 7,500 सुझाव पेटियों, 300 रथों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता के सुझाव भी लिए गए थे। 6 करोड़ लोगों की भागीदारी से पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया है। इस संकल्प पत्र को राजनाथ द्वारा जारी किया गया है। संकल्प पत्र में ये बड़ी बातें कही गई हैं, वो हम आपको बताते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण का प्रयास, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, पेंशन सुविधा भी दी जाएगी, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देंगे, छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे, नागरिकता विधेयक सिटीजनशिप बिल लागू करेंगे, लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, 5 साल तक बिना ब्याज 1 लाख का कृषि ऋण, राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेंगे, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाएंगे, 2022 तक सभी रेल ट्रैक का विद्युतीकरण, रेलवे की सारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलेंगे, 75 मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात सुनिश्चित करेंगे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय बनाएंगे। संकल्प पत्र को 12 श्रेणी में बांटा गया है। 2022 तक 75 संकल्प पूरा करने का वादा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सारी कृषि सिंचाई परियोजनाएं पूरी करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी, आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे, सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। कुछ इस तरह की बातें भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।